अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज की रेमेडी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, एजिंग साइन से रिलेटेड है। अगर आपकी स्किन पर रिंकल्स आ चुकी हैं, आपकी बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस पड़ चुकी हैं, कोई बात नहीं, आज मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, अगर आप इसको रेगुलर बेस पर यूज़ करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। आपकी रिंकल्स बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। प्रीमैच्योर जो रिंकल हैं वो तो कुछ ही दिनों से पहले पहले ही रिमूव हो जाएंगी और आपको बहुत इसके अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी स्किन फेयर भी होगी, बिकॉज इसमें जो इंग्रेडिएंट डले हैं वो सब के सब जो हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। और शुरू करते हैं आज की टिप। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा खीरे का जूस। खीरा हम जो खाते भी हैं बहुत फ्रेश फील करते हैं। इसको अगर हम अपनी स्किन पर भी अप्लाई करें तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करती है अपने आप को। तो यहाँ पे खीरे का आपने जूस ले लेना है। खीरे को आप कद्दूकस कर लें या फिर ग्राइंड कर लें, उसके बाद उसको छान लें और उसका पानी ले लें, अलग कर लें। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब खीरे का पानी लिया है। अब हम इसमें जो दूसरी चीज़ डालेंगे वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल डालना है। एलोवेरा जेल आप घर वाला भी यूज़ कर सकते हो और बाज़ार वाला भी यूज़ कर सकते हो। और मैं यहाँ पे जो यूज़ करने वाली हूँ वो बाज़ारी एलोवेरा जेल है। आपने यहाँ पे एलोवेरा जेल के 2 टेबलस्पून ऐड करने हैं। घर वाली एलोवेरा जेल जो है वो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, उसका जल्दी रिजल्ट्स मिलता है। बट हम अगर हम वो यूज़ करते हैं तो उसको हम ज़्यादा देर के लिए सेफ नहीं रख सकते हैं, इसलिए बाज़ारी एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं ताकि वो कुछ टाइम के लिए यूज़ की जा सके। हम इसको बना कर रख लेंगे और इसको डेली रात को अप्लाई करेंगे। ये हमारी एंटी एजिंग क्रीम रेडी हो चुकी है। कितनी आसान सी है, इसको आपने रात को सोते टाइम अपने स्किन पे अप्लाई करना है और देखिएगा आपको कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नज़र आएंगे अपनी स्किन के। आपकी स्किन फेयर भी हो जाएगी, ग्लोइंग भी हो जाएगी और इसके साथ साथ आपकी स्किन जो है वो एजिंग साइन से भी बच जाएगी। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें।